उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर चेकिंग के दौरान कार सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से पूर्व में हरियाणा से 50,000 का इनामी बदमाश सरफराज निवासी खालापार मुजफ्फरनगर के पैर में लगने से गोली घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक कार, एक तमंचा व 3 कारतूस बरामद किए। घायल बदमाश सरफराज के खिलाफ हरियाणा, दिल्ली, मुजफ्फरनगर में लूट चोरी के 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। की जा रही थी तो हाईवे के पास एक गाड़ी पे एक फायर करके भागा। देखा तो एक ऑल्टो थी जो बिना नंबर की गाड़ी थी। पीछा किया गया तो पीछा करने के बाद 2 व्यक्ति उसमें से भागे। एक व्यक्ति को उसमें जब क्रॉस फायरिंग की गई तो उसको पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसमें अपना नाम सरफराज बताया और ये खालापार निवासी है जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और अन्य जानकारी की गई तो इससे पता लगा कि ये दिल्ली NCR में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ चोरी करता था और उनको अन्य जगह, अन्य स्थानों पर बेचता था। इस पे लगभग पहले हरियाणा से 50,000 का इनाम रहा है और उसमें भी वो कई बार लगभग 2 दर्जन मुकदमों में जेल जा चुका है। इसके साथी की तलाश की जा रही है, अभी तक उसने नाम नहीं बताया। इसके पास से एक ऑल्टो कार, एक CMP, एक खोखा कारतूस और 2 लाइफ कार्टेज बरामद हुए। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कहीं से कोई ये हिस्ट्री शीटर या अन्य वांटेड अपराधी तो नहीं है। अभी पूछताछ में पता चला है कहाँ जा रहा था, कोई घटना को अंजाम देना था क्या? ये दिल्ली की तरफ से आ रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुजफ्फरनगर जा रहा होगा। हो सकता है कि जो गाड़ी इससे बरामद हुई है वो भी चोरी की हो, तो हम लोग इस पे भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से अगर ये चोरी की होगी तो उसके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का इनाम? इस पे इनाम अभी मुजफ्फरनगर जनपद से तो नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि कहीं दिल्ली NCR या अन्य जगह, अन्य स्थानों पर इस पे कोई इनाम तो नहीं। कोई बदमाश फरार भी है? हाँ, इसके साथ एक फरार बदमाश है, लेकिन उसका अभी नाम नहीं बताया, उससे पूछताछ जारी है।